परलकोट का विद्रोह सन 1825। कोटरी नदी के तट पर बसा परलकोट कोटरी गुडरा और निबरा नदियों के संगम पर स्थित है। परलकोट की जमींदारी बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में आती है। अबूझमाड़ दो शब्दों से मिलकर बना है, अबूझ मतलब जिसे समझा ना जा सके और माड़ अर्थात घोड़ी के अर्थ में पर्वत। परलकोट विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में अबूझमाड़ियों के द्वारा किया गया विद्रोह था, जिसे अंग्रेज एवं मराठों के शोषण के विरोध में प्रारंभ किया गया। उस समय वहां का राजा महिपाल देव थे, परंतु वे अंग्रेजों के समर्थक थे। परलकोट में मुख्यतः अबूझमाड़िया जनजाति थी। उन पर हो रहे अत्याचार गेंद सिंह बर्दाश्त नहीं कर सके। अंततः 1824 में गेंद सिंह ने सारे अबूझमाड़ियाओं का नेतृत्व करते हुए अंग्रेज मुक्त बस्तर का आह्वान किया, जिसे परलकोट विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी बंदूकों के सामने आदिवासियों का जंगल एक मजबूत हथियार बना। हजारों की संख्या में वनवासी धनुष बाण और भालों से अंग्रेजी अधिकारियों और मराठा कर्मचारियों पर घात लगाकर आक्रमण करने लगे। पुरुषों के साथ महिलाओं की भी इस विद्रोह में भागीदारी थी। घोटुल में इसकी सभा होती, जहां विद्रोह की रणनीति बनाई जाती थी। अबूझमाड़ियां 500-500 की संख्या में गुट बनाकर निकलते थे और गेंद सिंह योजनाबद्ध तरीके से उनका नेतृत्व करते थे। आदिवासी धावड़ा ब्रिज की टहनियों को विद्रोह के संकेत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते थे। विद्रोह इतना बड़ा हो चुका था कि छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक एगन्यू को सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा। एगन्यू ने चांदा से बड़ी सेना बुलवाई। चांदा का पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेब ने 10 जनवरी 1825 को परलकोट को चारों ओर से घेर लिया। वनवासी तथा ब्रिटिश सेना के मध्य घमासान युद्ध हुआ। गेंद सिंह गिरफ्तार हो गए और उनकी गिरफ्तारी से आंदोलन थम गया। गिरफ्तारी के 10 दिन बाद ही 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने ही गेंद सिंह को फांसी दे दी गई और छत्तीसगढ़ के इतिहास में गेंद सिंह प्रथम शहीद के रूप में अमर हो गए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।